तो पावर बीआई की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई में डेटा कनेक्टिविटी के बारे में, क्योंकि आगे हमें कुछ भी करना है, कुछ भी चीज अप्लाई इंप्लीमेंट करनी है, हमें सबसे पहले नीड टू डेटा कलेक्ट, डेटा कनेक्शन। जब तक पावर बीआई में हम डेटा लाएंगे नहीं तब तक आगे कुछ हो नहीं सकता है। तो कैसे लाएं पावर बीआई में, जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि गेट डेटा के अंदर 100 से ऊपर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं जहां से डेटा अपने पावर बीआई में ला सकते हो। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या पावर बीआई के पास खुद का डेटा नहीं है? जैसे हम एक्सेल शीट में डेटा डालते हैं, देखिए पावर बीआई भी खुद का डेटा एंटर कर किया जा सकता है। आपको यहां दिख रहा है एंटर डेटा, दिख रहा है सर? अब एंटर डेटा में आप जो है बिना किसी और डेटाबेस पे गए पावर बीआई के अंदर ही आप अपना डेटा तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो चलिए हम एंटर डेटा पे क्लिक करते हैं। हम सबसे पहले बात करें कि डेटा कैसे खुद से बनाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इसमें जो साइज है वो लिमिटेड है। अब सर लिमिटेड साइज है तो मुश्किल होती है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए ना, आपने सेल्स डेटा कहीं से कवर कर लिया। अब सेल्स डेटा तो आपके पास आ गया, अब आपको उसको इंसेंटिव देना है, बट इंसेंटिव का जो स्लैब है वो किसी डेटाबेस में नहीं, आपके माइंड में है। तो आप चाहते हैं कि वो स्लैब, उस स्लैब को मैं एक नए यहाँ पावर बीआई के अंदर डाल दूँ और फिर उसको हम अपने सेल्स डेटा में रिकॉल करके हम अपना इंसेंटिव तैयार कर दें, तो उस चीजों में यहाँ पे होता है। चलिए बताते हैं, जैसे कॉलम वन दिख रहा है तो यहाँ पे डबल क्लिक करें और कॉलम वन को हेडिंग चेंज कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया आईडी, टैब मारा, दूसरा कॉलम आ गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम, टैब मारा, तीसरा कॉलम आ गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया सिटी, टैब मारा, यहाँ पे डाल दिया हमने अमाउंट। अब एंटर प्रेस कीजिए, अब यहाँ देखिए एंट्री कर सकते हैं आप, एंट्री डेटा एंट्री क्यू वन, यहाँ पे हमने लिखा पूजा, सिटी में लिखा हमने पुणे, अमाउंट डाल दिया हमने 50, एंटर मारा, टू, यहाँ पे डाला हमने मुंबई, यहाँ पे डाला हमने नोएडा, सॉरी मुंबई तो नेम होगा, हाँ मुनीश कर देता हूँ, और पहले कॉल आया था मुनीश नाम के लड़के, यहाँ पे नोएडा 60, और यहाँ पे हम डालते तीसरा नंबर, यहाँ डालते हैं उदय, यहाँ पे डालते हैं जयपुर। तो यहाँ पे आप अपना डेटा एंट्री कर सकते हैं, कानपुर, पुणे, कानपुर, अरे सर जी आईडी में नंबर नाम डाल दिया, हाँ ये दिक्कत हो गई, कोई नहीं, कीबोर्ड थोड़ा सा मेरा काम नहीं कर रहा है सर, कोई बात। वैसे मैं लैपटॉप का कीबोर्ड यूज नहीं करता हूँ, एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करता हूँ, इसका एक लाइफ होता है ना। यहाँ पे टेबल का नाम है, ठीक है ना, हम डीटी नाम से डाल देते हैं नाम है। अब यहाँ पे लोड करते हैं, लोड करते हैं, आप देखिएगा डीटी नाम का यहाँ पे टेबल कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जाइए, आपके सामने डेटा आ गया सर, ओके। अब मान लीजिए इस डेटा में कोई एडिट करना हो तो कैसे करेंगे, डेटा में मुझे अगर किसी तरह का एडिट करना है तो कैसे करेंगे, क्या वापस में एंटर डेटा पे क्लिक करेंगे? जी नहीं, एंटर डेटा पे वापस जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक आएगा, तो कैसे करें? तो यहाँ आपका टेबल पे आप जाते हैं तो टेबल टूल्स के अंदर आप आइएगा, नहीं टेबल टूल्स में तो टेबल से रिलेटेड जितनी डिटेल से होगा, यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा सोर्स सेटिंग, तीन चीज़ें है, दिख रहा है ना सर? ओके, तो ट्रांसफॉर्म डेटा जब क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी पे चला जाएगा, और पावर क्वेरी पे चला जाएगा तो हम यहाँ कोई रो एंट्री नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा सर कि आप यहाँ किसी तरह का रो एंट्री नहीं कर सकते, हाँ कॉलम वगैरह ऐड कर सकते हैं,
लेकिन एंटर डेटा भी क्लिक करेंगे तो फिर वही नया टेबल शुरू किया आएगा। तो रिसेंटली टेबल जो एक बार ऐड हो गया है उसको चेंज करने का ऑप्शन, उसमें कॉलम आप एडिट कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर रो वगैरह डेटा वगैरह को एडिट करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आई जिसका सोल्यूशन क्या है, जिसका सोल्यूशन ये है कि आप आ जाइए एक्सेल पे, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम एंटर एक्सेल से डेटा लेके आते हैं, तो आप सोचेंगे कि कौन सी बड़ी बात है, हम तो नॉर्मली एक्सेल से डेटा ले आते हैं। लेकिन मैं एक्सेल से डेटा लिंक करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉपी एंड पेस्ट करने की। कि मुझे एक्सेल से डेटा को लिंक नहीं करना है क्योंकि एक्सेल फाइल की गारंटी नहीं है कब है, कब डिलीट कर दी जाए, कब एडिट हो जाए। सो मैं चाहता हूं अपने एक्सेल फाइल की डेटा को, जो हमारे एक्सेल के फाइल की जो डेटा है उसको लेकर आना, मान इस डेटा को लेकर आना चाहता हूँ, तो क्या इस डेटा को ला सकता हूँ? चलिए कॉपी करके ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको लिमिट समझ में आएगा। हमने एंटर डेटा को सिलेक्ट किया और हमने इसको राम सर तब ठीक नहीं है क्या? हेलो यहां हमने एंटर क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। अभी पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द किलो क्लिपबोर्ड कंटेन आर टू लार्ज टू पेस्ट इनटू द टेबल, प्लीज स्प्लिट योर टेबल इन द मल्टीपल टेबल्स विद लेस देन 3000 सेल, यू कैन कंबाइन देम द सिंगल टेबल विद यू द पावर क्वेरी एडिटर। समझ में आया सर आपको कुछ? जी सर। तो पावर भी यही कह रहा है कि वो 3000 सेल से ज्यादा एक एंटर टेबल में क्रिएट टेबल में नहीं लेगा। हाँ, आपको 3000 सेल्स टेबल से ज्यादा है तो आप कई सारे टेबल्स में आप कन्वर्ट करके एंटर कर दो, देन पावर क्वेरी की मदद से उसको कंबाइन कर दो। 3000 सेल का मतलब नॉट ए 3000 रो, मतलब कि एक रो में जितने एक रो में कितने सेल है तो 7 है। तो अगर उसी तरह से मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, तो यहां देख रहे काउंट 98, मतलब सेल की बात कर रहा है, सेल की नॉट ए रो की। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये रो है, बट दिस इज द नॉट रो, सेल की बात कर रही है। तो आपने अगर 3000 सेल्स से कम सिलेक्ट किया है, देन कॉपी करके आप इस पे यहां पे क्लिक करें एंड जस्ट पेस्ट करें, आपके सामने डेटा पेस्ट हो गया। देन यहां पे नाम दे दे DT1, ये आपका लोड हो गया। समझ में आया सर? जी सर, आया समझ में। हाँ, तो इस तरह से आप फिर आपने एक्सेल शीट में डेटा को एंटर कर सकते हैं। क्लियर? जी सर, क्लियर।